सोलापूर शहरातील प्रभाग क्रमांक 8 बुधवार बाजार परिसरात अनेक समस्यांनी नागरिक हैरान झाले असून या भागातील स्थानिक नगरसेवकाचे या समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। बुधवार बाजार इकरार मशिदी समोरील नाल्या शेजारील कचराकुंडी गेल्या 2 ते 3 दिवसापासून भरलेली असून त्यामुळे दुर्गंधी सुटलेली असल्याची तक्रार नागरिकांची आहे। एकीकडे कचऱ्याची दुर्गंधी सुटत असतानाच त्यामध्ये भर म्हणून काही कुत्रेही मरून पडले आहेत। या कुत्र्यांच्या मृत्यूमुळे दुर्गंधी सुटून आजूबाजूतील परिसरात नागरिकांना त्रास होत आहे। कोरोनाच्या महामारी काळात एकीकडे प्रशासन स्वच्छ राहण्याचे सांगत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे बुधवार बाजार परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे। महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला संबंधित कचरा उचलण्याविषयी व मेलेली कुत्रे उचलण्याविषयी फोन करूनही अधिकारी प्रतिसाद देत नसल्याची तक्रार नागरिकांची आहे। स्थानिक नगरसेवक तर या भागात फिरकतच नाही। महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ताबडतोब या समस्याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी नागरिकांनी लोकप्रधान न्यूज चॅनलशी बोलताना व्यक्त केली। आजूबाजूला मंदिर मशीद व शाळा परिसर आहे। अनेक लोकांची रहदारी या ठिकाणी आहे। त्यांना लहान मुलांना सुद्धा या दुर्गंधीचा त्रास होत आहे। या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार शहीद शिपाई यांनी। सोलापूर महानगरपालिका हम इनको कितने बार बोलते हुए इनको दखल अंदाज करते हुए प्रशासन को हमें बहुत कुछ अधिकारी बोलते हुए दुर्लक्ष कर रहे हैं और कई एक महीने पहले लोग बोल चुके हैं कि प्रशासन इसके बारे में दुर्लक्ष करते हैं कि हमें सब लोगों से विनती है कि हमारे इकराली मस्जिद के पास ही ये कचरा काटने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें और प्रशासन को हम बार बार कोरोना के बारे में और इतर किसके बारे में भी हम बोलना चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से और अभी हमारे हिसाब से हम मस्जिद की तरफ से बहुत इतना घान है कि उसका हद नहीं उतना इतना घान है और तुम आप हमारा घान जो क्रम सामने जो पड़ा हुआ है और ये कचरा दे सकते हैं आप कितना घान हुआ है रखा है क्या है वो भी इसके बारे में कुछ दखल अंदाज नहीं करता है। यहाँ हमारा नगर सेवक करता है ना हमारे प्रतिनिधि आमदार सिंधे करती कोई भी नहीं करता इसके बारे में नहीं। और यहाँ रोड का मामला ऐसा परेशान है कि रोड कितने तो ये एक दिन में एक दो दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं। बुधवार बाजार से लेकर 12 इमाम चौक तक और पद्मचारी चौक से लेकर किड़वाई चौक तक और पद्मचारी चौक से लेकर सोशल स्कूल तक और यहाँ पर इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होते रहते हैं इसका रोड का कोई अंदाज नहीं कर सकता। प्रभाग क्रमांक 8 सोलापुर शक्करपेड़ में है ना। अभी अपने ये बुधवार बाजार का एरिया है ये। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कचरा कुंडा पड़े हुए है। कचरे कुंडे में कम से कम 3 दिन से कचरा कुंडा इधर ही पड़ा है पूरा भर के। ऐसी गंदी और ऐसी बदबू आ रही इसमें से और दूसरी बात इसके अंदर 2 कुत्ते मार के पड़े हुए। हम प्रशासन को महानगर पालिका के अधिकारियों को साहब को फ़ोन लगा रहे पांडे साहब को फ़ोन लगा रहे फिर उसके बाद हमने नायकवाड़ी साहब को फ़ोन लगाया फिर उसके बाद कुत्तकुंडे को फ़ोन लगाया इन सबको फ़ोन लगाए बात करें हम लेकिन उन्होंने बोलने लगे कि हाँ मैं भेज के दे रहा आदमी को लेकिन अभी तक भेज के दिए नहीं। सुबह में 8 बजे फ़ोन लगे थे लेकिन अभी 3, 3:30, 4 बजे लेकिन अभी तक भेज को दिए नहीं किसको भी अधिकारी को। ये काम इससे है ना ये कचरे से है ना कोरोना होने के चांसेस है। इससे हमारी मांगनी ये है कि जल्द से जल्द कचरा उठाया जाए इस बीमारी को दूर किया जाए क्योंकि यहाँ पे है ना छोटे बच्चे भी आते जाते रहते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग वगैरह सब लोग आते जाते रहते हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो पोषमा मंदिर भी है जहाँ पे हिंदू समाज के लोग हैं ना जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके है ना यहाँ पर मंदिर के पूजा वगैरह करते रहते हैं लेकिन उन लोग को भी सब लोग को हर इंसान को यहाँ से कचरे से तकलीफ है। ये पूरे एरिया में इतनी बांस उठी से है यहाँ कि इसकी बदबू इतनी गंद पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है इसमें। तो हमारी मांगनी ये है कि जल्द से जल्द इस कचरे को उठाकर इसका इंतजाम करें। ताजा बातम्यांसाठी लोकप्रधान चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा।